प्रयागराज हिंसा को लेकर प्रशासन की कार्रवाई और प्रयागराज हिंसा के मुख्य आरोपी जावेद के घर पुलिस पहुंच चुकी है, जहां 11 बजे का समय निर्धारित था और अपने तय समय पर पुलिस पहुंच गई है। पुलिस ने जावेद के घर पर नोटिस भेज रसपा किया है और अब से कुछ ही देर के बाद जावेद के घर को तोड़ने की कार्रवाई हो सकती है। प्रयागराज हिंसा के मामले में आपको बता दें कि 3 FIR दर्ज और 1 रांड में लोग अब तक गिरफ्तार किए जा चुके हैं। ये 3 FIR जिसमें मुख्य आरोपी के तौर पर जावेद का नाम सामने आया था, अब गिरफ्त में फिलहाल पुलिस के है, लेकिन साथ ही साथ कार्रवाई भी बुलडोजर की रहेगी। 11 बजे का समय था जब उसके घर को पहले खाली कराने का नोटिस दिया गया, पुलिस वहां पर पहुंच गई है, नोटिस घर के बाहर चस्पा कर दिया गया है और अब से कुछ ही देर के बाद ये बुलडोजर चलने की प्रक्रिया शुरू भी हो सकती है। 1 रांड में लोग गिरफ्तार हुए हैं, 3 FIR भी दर्ज हुई है। थोड़ी ही देर में जावेद के घर को तोड़ने की कार्रवाई, प्रयागराज हिंसा के मामले में ये कार्रवाई है। गिरफ्त में तो लिया ही जा रहा है चिन्हित करके लोगों को जो कि इस घटना में संलिप्त थे या फिर सबूतों के आधार पर जिनकी जांच अब तक आगे बढ़ पाई है। जावेद ये वही शख्स जिसका नाम प्रयागराज हिंसा में मुख्य आरोपी के तौर पर गूंजा है, अब जब पुलिस की गिरफ्त में है तो फिर भी पुलिस उस पर शिकंजा कसने की कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही। ये एक बड़ी कार्रवाई अपने लिहाज से हो जाती है, चूंकि यूपी में बुलडोजर का खौफ कहीं ना कहीं दबंग और माफियाओं में बुलडोजर के खौफ को बरकरार रखती हुई ये तस्वीरें देखिए। ये घर जिसके बाहर नोटिस रसपा किया गया है। अधिक जानकारी के साथ यूपी न्यूज एडिटर ज्ञानेंद्र शुक्ला इस वक्त हमारे साथ ऑनलाइन पर जुट गए हैं। ज्ञानेंद्र जी, धरपकड़ एक्शन यूपी में जारी है और बुलडोजर का खौफ जिस तरह से दबंगों और माफियाओं में यूपी पर है, एक और इसी की वानगी देखने को मिलेगी, क्या पूरी जानकारी फिलहाल इसको लेकर? देखिए, प्रयागराज का जो अटारा इलाका है, यहाँ पर शुक्रवार को जिस तरीके से हंगामा हुआ था और जबरदस्त उपद्रव किया गया था, उसके बाद से अब पुलिस पूरी तरीके से एक्शन में आ चुकी है। इस बवाल मामले में 3 मुकदमे दर्ज किए जा चुके हैं। इसके अलावा उनकी घरों में 70 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है और इसके सभी लोगों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत भी कार्रवाई की जाएगी। तो अभी जो सबसे बड़ा अपडेट यही है कि एक मास्टर माइंड इसका बताया जा रहा है, जावेद मोहम्मद इसका नाम है, जावेद साहब जी घर पर बुलडोजर चलाने की तैयारी हो चुकी है, क्योंकि प्रयागराज गवर्नमेंट अथॉरिटी ने इसके घर पर नोटिस जमा कर दिया है। जानकारी मांगी गई है मकान को लेकर, अब इस्तेमाल को लेकर इसको नोटिस दिया गया है। करीबी की जेके आशियाना कॉलोनी जो 2 मंजिला मकान बना है, इसे आज दोपहर 11 बजे तक खाली कर दी गई कहा गया है। दरअसल इसके बगैर नक्शा पास भी बनाया गया है, तो अब इसके खिलाफ आज दोपहर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई होगी। उत्तर प्रदेश में कल रात में ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से बैठक करके अफसरों को निर्देश दे दिए थे कि किसी भी सूरत में जो आरोपी हैं, जो भी उपद्रवी हैं, बलवाई हैं, उनको ना बख्शा जाए, मेजून को फंसाया ना जाए, लेकिन जो जो लोग आरोपी हैं उन्हें बख्शा ना जाए। सख्त बताती है और इसकी वजह से अब आज से लेकर आने वाले और दिनों तक ना सिर्फ प्रयागराज बल्कि सहारनपुर और कानपुर में भी तमाम उपद्रवियों के खिलाफ और भी सख्त कार्रवाई होना सुनिश्चित होगा। बिल्कुल ज्ञानेंद्र जी, मुख्य आरोपी के तौर पर जावेद का नाम सामने है, इसके अलावा 1 रांड में अन्य लोग गिरफ्तार है। कार्रवाई की अगर बात करें तो कानूनी कार्रवाई इस हिंसा से जुड़े हुए मामले में अब तक कहां आगे पहुंच पाई है? क्या कुछ और लोग हैं जो कि अभी पकड़े जाने बाकी हैं या फिर यही लोग थे जो कि इस घटना में संलिप्त थे? देखिए, जो मुद्दा थाने में जो मुकदमे दर्ज हुए हैं 30 गंभीर धाराएं हैं, इसमें 70 लोग नामजद किए गए हैं और 5000 अज्ञात जी 70 लोग गिरफ्तार हैं, उससे पूछताछ की जा रही है। तमाम वीडियो फुटेज है उससे भी पूछताछ की जा रही है और एक बड़ी चौंकाने वाली बात भी सामने आई है, इन बवालियों ने, उपद्रवियों ने कोशिश की थी कि फायरिंग और आगजनी के बाद जो सरकारी शिक्षक है वो भी रोके जाए। इसके लिए उन्होंने पुलिस कर्मियों के जो लोग मोबाइल से फोटो बना रहे थे उनसे मोबाइल की कोशिश जी, तो इन लोगों को भी पहचान किया जा रहा है, उसके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की गई। बिल्कुल, और कार्रवाई की तस्वीरें भी दिखा रहे हैं और अब से कुछ ही देर के बाद में जब बुलडोजर कार्रवाई होगी उसके लिए पुलिस जाब्ता भी वहां पर तैनात है। बहुत बहुत शुक्रिया ज्ञानेंद्र जी तमाम जानकारी के लिए, साथ जुड़ने के लिए। देखिए तस्वीरें, एक घर जिसके बाहर नोटिस रसपा हो चुका है और अब से कुछ ही देर के बाद 11 बजे का समय निर्धारित है जब यहाँ बुलडोजर की कार्रवाई होगी और घर को ध्वस्त किया जाएगा। दरअसल अवैध निर्माण से जुड़ी हुई और घर के पूर्ण दस्तावेज लीगल तौर पर नहीं होने पर यह कार्रवाई की जा रही है।